goes to the compass needle that the needle gets deflected because the compass needle is also a magnet. ये आपको anti-clockwise deflect कर रहा है. अब बताइए आप लोग की direction of deflection किस पर depend करता है? Direction of current. Direction of current पर, ठीक है? Welcome to TCP Education Hub. और इस वीडियो में हम लोग ऑरस्टर एक्सपेरिमेंट को करेंगे. बेसिकली स्टूडेंट ही करेंगे. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन. तो ये कहता है कि कोई भी मैग्नेटिक नीडल है, उसके आसपास यदि करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. या फिर आप ये जो मैग्नेट है ये अगर इसके सामने लाते हैं मैग्नेटिक नीडल के सामने तो भी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है, या करंट कैरिंग कंडक्टर भी लाते हैं तो भी डिफ्लेक्ट होता है, जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये तो करता ही है. इसके वजह से भी डिफ्लेक्ट होता है, इसके वजह से भी डिफ्लेक्ट होता है. तो आइए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं. मैं कैमरे के पीछे हूँ और ये एक्सपेरिमेंट कुछ स्टूडेंट लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं. दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट. व्हेन वी ब्रिंग द मैग्नेट ब्रिंग क्लोज टू द कंपास नीडल दैट द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज द कंपास नीडल इज आल्सो अ मैग्नेट. व्हेन द करंट पासेस थ्रू द वायर then this compass needle gets deflected. This is a cell. This is the positive terminal of the cell and this is negative terminal of the cell. We know that direction of conventional current is positive to negative. अब इस कंडक्टर से करंट को पास कराते हैं, ठीक है? तो इस पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से करंट यदि देंगे तो यहाँ से आपको करंट का इतने ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर रहा है. अब बताइए आप लोग की डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट पर, ठीक है? तो करंट का डायरेक्शन बदलते हैं, सेल को उल्टा करिए. सेल को उल्टा करने पर डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो जाएगा, ठीक है? तो एंटी क्लॉकवाइज तो अप क्लॉकवाइज, ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए इसको, ये रिलैक्स होने दीजिए, ठीक है? ये क्लॉकवाइज कर रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड किया डायरेक्शन ऑफ करंट पर, ओके? अब एक और चीज पर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है, वो है क्या? पोजीशन ऑफ द कंडक्टर. पोजीशन ऑफ द कंडक्टर, यानी हम अब डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? पोजीशन को ही चेंज कर देंगे, ठीक है? तो अभी क्या कर रहा है? अभी फिर से दीजिए, फिर सप्लाई दीजिए. क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक? जब हम लोग कंडक्टर को ऊपर रखें, जब हम लोग कंडक्टर को मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखें, अब कंडक्टर को हम नीचे रखते हैं, ठीक? तो क्लॉकवाइज किया था, अब क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? सप्लाई दे दीजिए. यस एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है. तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या सीखें? सबसे पहला काम, पहला चीज सीखें, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर कोई कंडक्टर करंट कैरी करता है तो उससे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है. और पोजीशन ऑफ कंडक्टर. यही हमारा ऑरस्टर एक्सपेरिमेंट हो गया. अब किसी दिन हम लोग ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में डायरेक्शन को निकालने के लिए समझेंगे. डायरेक्शन को स्विमिंग रूल के द्वारा भी समझेंगे और हम लोग सिंपल जो मैक्सवेल हैंस रूल ये है उससे भी हम लोग समझेंगे, ठीक है?